खानपुर के कस्बा लंढौरा में एक सरिया सीमेंट और पेंट की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखी बॉल पेंट की बाल्टियां जलकर खाक हो गई है। बता दें कि सीमेंट भी खराब हो गया है। दुकान मालिक तौकीर अहमद ने कहा कि दुकान में रखे कॉर्पिन तेल की पेटी ने अचानक आग पकड़ ली और भयंकर रूप ले लिया, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वह खुद दुकान के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक आग लगने पर वह आनन फानन में बाहर निकले और आसपास के लोगों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकान में काम कर रहे एक कर्मचारी मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। गनीमत ये रही कि आग लगने से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। जो हमारी दुकान के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट होने के कारण से पेंट वगैरह रखा था, उसकी पेटी में कार्पिन की में आग जली। आग जलने से पूरे पेंट में आग लगी, उसके बाद सीमेंट में, उसके बाद आग ने काफ़ी बढ़ाव किया। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी मार्केट के कुछ आदमी आने के बाद उन्होंने पानी वानी डालने से बहुत ज़बरदस्ती काबू किया। मैं अंदर अपनी दुकान में बैठा हुआ था, मैं भी जबरदस्ती गेट खोल के बाहर निकला। एक पिछला दरवाजा है, हमारे लड़के जो अंदर थे आग जलने से जबरदस्ती बचे, वह पीछे को निकल के बाहर निकल गया। इसलिए हमारा इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान है। पेंट वगैरह का है, पेंट खराब हो गया, सीमेंट खराब हो गया, फिर पानी डलने से सीमेंट बेकार हो गया।